अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सैम। आज इधर हम डिस्कस कर रहे थे CS 101। आज हम डिस्कस करेंगे इसका मॉड्यूल नंबर 39। इस हम डेटा मैनिपुलेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम रोटेशन एंड शिफ्ट्स की बात करेंगे। तो आपने 8-bit पैटर्न्स पढ़े होंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ें साथ में वर्ड भी ओपन कर लूँ, आपको ये प्रॉपर टॉपिक समझा दूंगा। और जस्ट सेकेंड, ओके जी, आ गया हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टेबल क्रिएट करते हैं। आपने बिट पैटर्न्स तो पढ़ा होगा, एक 8 बिट होते हैं किसी भी हमारे क्या कह रहे हैं उसके अंदर। ये आ गया जी, 8 बिट्स हैं, और जूम कर लेते हैं इसको। 1 बाइट के अंदर आपने पढ़ा होगा जी 8 बिट्स होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ भी एक पैटर्न है 8 बिट्स का, ये 3, 3, 6, 7 और ये हमारे पास आ गए हैं 8 बिट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ना है रोटेशन को। सो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको मैनिपुलेशन। द ऑपरेशन इन द क्लास ऑफ रोटेशन एंड शिफ्ट ऑपरेशन प्रोवाइड अ मीन ऑफ मूविंग बिट्स विद इन द रजिस्टर एंड आर ऑफन यूज्ड इन सॉल्विंग अलाइनमेंट प्रॉब्लम। ये जो ऑपरेशन है जो हम रोटेट और शिफ्ट के ऑपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, रोटेशन और शिफ्ट ऑपरेशन से ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं कि आप रजिस्टर के अंदर रहते हुए बिट्स को मूव कर सकते हैं राइट पे, एक एक सब की एक एक जगह राइट पे कर दें। ठीक है, जो तीसरे नंबर मतलब जो आखिरी था वो उसके अपनी नेक्स्ट चेयर पे, जिस तरह लाइन में आपने 8 बंदे बैठे हों तो इस तरह किसी एक कोने से नया बंदा बिठाना हो तो आप सारे को कहते हैं एक एक चेयर आप आगे होते जाए, तो इस तरह से वो पहला बाहर वाला आने वाला पहली सीट पर बैठ जाता है, सारे जो है वो नेक्स्ट वाली पे मूव करते जाते हैं, इसको हम शिफ्ट कहते हैं। दीज ऑपरेशंस आर क्लासिफाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या आप राइट मूव कर रहे हैं या लेफ्ट मूव कर रहे हैं, और या फिर ये प्रोसेस जो है वो सर्कुलर है। ठीक है, दो चीजों पर ये डिपेंड कर रहे हैं, तो एक उसकी डायरेक्शन क्या है और दूसरा क्या वो प्रोसेस सर्कुलर है या नहीं। सो विद इन दीज क्लासिफिकेशन गाइडलाइंस आर न्यूमरस वेरिएशन विद मिक्सड टर्मिनोलॉजी। ये जो क्लासिफिकेशंस की गाइडलाइंस है इसके साथ हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स चीजें हमें बताई जा रही हैं, तो हम एक क्विक लुक देखते हैं ये जो आइडियाज हैं। कंसीडर करते हैं कि एक रजिस्टर के अंदर 1 बाइट ऑफ बिट है, मतलब 8 बिट्स हैं, जिस तरह की यहाँ पे मैंने ये दिखाया आपको, ये आपके पास कितने बिट्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप क्या करते हैं, इन 8 बिट्स को मूव करते हैं राइट पे, तो ये सारे बिट जो था ये 1 इधर आ गया 0 इधर चला गया 1 इधर चला गया 0 इधर चला गया 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर और ये 1 इधर चला गया। लेकिन पहले 8 बिट तो यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, ये आखिरी बिट जो है वो तो रेस से निकल जाता है। ठीक है, जब आप उनको राइट पे मूव कर रहे होते हैं, तो जब आप इस इमेजिनेशन के साथ हम चलते हैं, वी इमेजिन द राइट मोस्ट बिट फॉलिंग ऑफ द एज एंड होल अपेयरिंग एट द लेफ्ट मोस्ट एंड। जब आप इनको राइट पे मूव करते हैं तो जो लास्ट बिट था वो आपके इस 8 बिट से बाहर चला जाता है, और जो पहली स्पेस थी वो खाली हो गई है, उसको हम होल का नाम देते हैं, और आखिरी को हम कहते हैं कि वो जी एज से बाहर जा रहा है, वो आपके लिस्ट से बाहर निकल जाता है। तो अब आपने क्या करना है, तो आगे देखते हैं कि व्हाट हैपन विद द एक्स्ट्रा बिट एंड द होल डिस्टिंग्विशिंग द फीचर अमंग द वेरियस शिफ्ट ऑपरेशन। एक तो ये जो होल क्रिएट हुआ है और एक ये जो एक्स्ट्रा बिट लास्ट से बाहर चला गया, इस पोजीशन का हम क्या करें, क्योंकि 8 बिट रजिस्टर है उसकी जगह तो 8 ही है, 9वां बिट तो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। आपने स्टार्टिंग के जो 25-26 मॉड्यूल्स के आसपास आपने ओवरफ्लो का जिक्र किया था कि जब आपके पास 1 बिट उससे ज्यादा हो जाता है तो आप उसको ओवरफ्लो डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, वो डिलीट बिट कर देते हैं, एक्स्ट्रा बिट होता है, क्योंकि वहां पे कहीं पे कुर्सियां 8 पड़ी हो तो 9वां बंदा आता है और उस 9वें बंदे को वहां पे बिठाना भी हो तो आप किसी बंदे को कहते हैं यार आप उठ जाए। ये मोस्टली क्या आता है, बीच में बच्चे बैठे थे, मून वाली कुर्सी खाली करवा के उधर कोई बड़ा सीनियर सिटीजन आया था, हम उसको बिठा देते हैं, तो वो तो बात समझ आती है क्योंकि 8 बिट्स के अंदर 8 ही लोग बैठ सकते हैं। ये 9वां बिट जो है राइट पे मूव हो गया, जो उस रेंज से बाहर निकल गया, उसको कहाँ बिठाएंगे आप। तो वन टेक्निक क्या है कि ये जो बिट फेल द राइट एज, राइट एंड से जो फेल कर रहा है, गिर रहा है इन द होल, उसको आप लेफ्ट वाले एंड के साथ उसको होल पे ऐड करते हैं, यानी ये जो राइट बिट से जा रहा है इसको आप क्या करें, इसको आप इस तरह से लाएं और ये जो आखिरी वन है इसको पहले वाले की जगह पर ले आए, तो ये जो लास्ट वन था वो स्टार्ट में चला गया। तो बाकी पैटर्न आप ये देख सकते हैं कि ये जो 7-bit पैटर्न है वो बिल्कुल आपका सेम है इसके साथ, ठीक है, बस वो बाकी वाले जो हैं वो शिफ्ट हो गए।
ये आखिरी बिट जो है वो स्टार्ट में आ गया। इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। सो दिस रिजल्ट इज अ सर्कुलर शिफ्ट, और इसको हम रोटेशन का नाम देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो डिफाइन रोटेशन, अब एग्जाम्स के अंदर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी तो पूछे जाने हैं ना, तो वहां पर अगर आपसे रोटेशन के बारे में पूछा जाता है तो आप सिंपल लिखेंगे कि अगर हमारे पास एक वन बाइट हो, आठ बिट्स हो, पर हम उन सारों को वन बिट जो है वो राइट पे मूव करते हैं, तो वो आखिरी जो बिट होगा वो राइट वाले एंड से फॉल कर देगा और वो हमारे उस लिस्ट से बाहर चला जाता है, तो हम उसको प्लेस कर देंगे लेफ्ट पे, जो होल उसकी जगह पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगी पहले बिट की जगह पर, उसको लेफ्ट पे पुट कर देंगे, इसको हम रोटेशन कहते हैं। और अगर हम ये जो रोटेशन है जो कि राइट सर्कुलर शिफ्ट है, ये जो वन बाइट के ऊपर एग्जैक्टली एट टाइम्स आप उसको बनाएंगे या आठ दफा आप उसको राइट शिफ्ट करते जाएं, तो वी ऑब्टेन द सेम बिट पैटर्न वेयर वी स्टार्ट, यानी जो स्टार्टिंग में आठ बिट्स थे अगेन आपके पास वही आठ बिट दोबारा आ गई, ठीक है, सेम पैटर्न के साथ सेम प्लेसेस पर, तो इसलिए इसको सर्कुलर शिफ्ट का नाम देते। दूसरी एक और टेक्निक है, another technique is to discard the bit that fall off the edge and always fill the hole with zero. Second technique kya hai ki jo right se aap left shift right shift kar rahe hain, to right se jo hai ek bit jo fall hota hai us 8th number se 8th se jo 9th mein jata hai, 9th wala to aap consider nahi na karte ki aapke paas space 8 ki hai, to aap usko kya kahenge, usko nikal denge और जो जगह खाली हुई है उसकी जगह पर आप जीरो प्लेस कर देंगे। द टर्म ऑफ लॉजिकल शिफ्ट ऑफन यूज टू रेफर दीज ऑपरेशंस, सच शिफ्ट टू द लेफ्ट कैन बी यूज बाय मल्टीप्लाइंग टूज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन बाय रिप्रेजेंटेशन बाय टू। आफ्टर ऑल शिफ्टिंग बाइनरी डिजिट टू द लेफ्ट कॉरिस्पॉन्ड टू द मल्टीप्लाई बाय टू, जस्ट सिमिलर शिफ्ट टू द डेसिमल डिजिट कॉरिस्पॉन्डिंग टू मल्टीप्लाई बाय 10। कि जब आप किसी डिजिट के नंबर जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सारे डिजिट सारे लेफ्ट में मूव हो जाते हैं और एंड पे क्या आ जाता है, जीरो, ठीक है। आपके पास अगर एक वैसे एग्जांपल हम डिस्कस करें कि आपके पास एक नंबर है, सपोज यहाँ की मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ वन, वैसे टू ये है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ तो ये क्या बनेगा, 1 2 3 0। सारे नंबर बेसिकली जो तीन पोजीशन थी उनसे लेफ्ट पे मूव हो गया, राइट पे जो स्पेस खाली है इसकी जगह पे जीरो आ गया, तो ये यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट भी इसको बोलते हैं। मोर ओवर डिवीजन बाय टू कैन अकम्पलिश बाय शिफ्टिंग अ बाइनरी टू द राइट, यानी आपने दो नंबर को एक नंबर की मल्टीप्लीकेशन है ना, तो आप क्या करते हैं उसको शिफ्ट लेफ्ट कर देते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन बाय 10 आ जाता है, ठीक है। और जब आप उसको राइट पे मूव करते हैं, ठीक है, यानी शिफ्टिंग द बाइनरी डिजिट टू द लेफ्ट कॉरिस्पॉन्ड टू मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, कि जब भी आप लेफ्ट पे किसी नंबर को मूव करेंगे तो वो इट इज जस्ट लाइक आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हमारे पास है 111, ये कितना होता है 7, आप इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, मैं यहाँ पे इसके फॉर्म में बात करता हूँ, ये हमारे पास 111, ये 3 बिट्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस के साथ आप इसको देखें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ये 3 बिट्स हैं। अब आपने इनको लेफ्ट पे शिफ्ट करना है, ये तीनों इस तरह से होंगे, अब ये जो जगह खाली बनी है ये 0 बन गया, अब ये 4 बिट नंबर बन गया, तो वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये जो था 3 बिट इसकी आप बाइनरी देखें तो ये बनती है 7, इसकी बाइनरी देखें तो ये बनती है 40, ठीक है। जब आपने उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो वो जो भी नंबर था शिफ्ट करने से पहले उसका जो भी डेसिमल नंबर बन रहा है, तो जब आप उसका एक डिजिट शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे तो बेसिकली वो नंबर डबल हो जाएगा, यानी उसको अगेन आप बाइनरी से डेसिमल डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो 7 से 14 बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप शिफ्ट राइट करते हैं इसको तो ये हाफ हो जाता है, 2 पे आप डिवाइड करते हैं और वो डेसिमल पार्ट इग्नोर कर देता है, यानी इसी को मैं करता हूं शिफ्ट राइट, मैं इसी बिट्स को 3 बिट्स हैं मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूं और इनको मैं कलर कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये कलर्ड एरिया, तो ये भी 3 कलर्ड एरिया, आप इनको शिफ्ट राइट करते हैं। अब जमा जगह कितने की है,
की जब शिफ्ट राइट किया है तो ये वाला इग्नोर हो, क्योंकि वो उससे काउंट सिर्फ ये तीन प्लेसेस होनी है, और जो जगह खाली हुई है उसकी जगह पर आपने जीरो लिख देना है। अब ये जो ट्रिपल वन था ये था 7, और 011 जो है ये 3 है। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपने 7 को 2 पे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर इग्नोर कर देते हैं, जो ऊपर आंसर आता है वो आता है 3, 3 2 6। तो ये देखेंगे ये वही 3 हमने रिसीव किया। तो जब भी आप शिफ्ट राइट परफॉर्म करेंगे तब वो जो नंबर आएगा वो बेसिकली डिवाइडेड बाय 2 है, जब आप उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो वो नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास रिसीव होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था बाइनरी के लॉजिकल शिफ्ट और रोटेशन। तो स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ये हर स्लाइड पे लेफ्ट पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप यहाँ पर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।